कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम ने अब ठेले व्यापारियों पर सख्ती करना शुरू कर दी है, लेकिन सख्ती की आड़ में निगम के कुछ कर्मचारी गरीबों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि अब प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो सिस्टम की हिटलर शाही को बयां कर रही है। देखें ये खास रिपोर्ट। नजारा है इंदौर का, जहां आपको नगर निगम की तानाशाही वाली कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी हां, वही नगर निगम जिसके सफाई कर्मियों ने इंदौर को सफाई में नंबर वन बनाया, लेकिन निगम कर्मचारी कितने तानाशाह बन गए हैं, उसकी बानगी ये तस्वीर बयां कर रही है। अच्छा, दरअसल इंदौर में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण की वजह जिला प्रशासन ने सब्जी मंडी और ठेले व्यापारियों को बताया है इस पर सख्ती से कार्रवाई के लिए निगम के रिमूवल विभाग की दो टीमें बना दी गई है। एक टीम पूर्वी तो दूसरी पश्चिमी क्षेत्र में लगातार कार्रवाई करेगी। टीम को चौराहों, व्यावसायिक स्थानों के साथ साथ भीड़ लगाकर व्यापार करने वाले ठेलों को जब्त करने की खुली छूट दे दी गई है, जिसका अंजाम ये हुआ कि निगम कर्मचारी अधिकारी इस कदर आतंक मचाने लगे कि बच्चे का अंडे का ठेला पलटा दिया, उसके सारे अंडे सड़क पर तोड़ दिए गए। बच्चा बार बार दुहाई देता रहा, लेकिन उसकी एक ना सुनी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई तो निगम के जिम्मेदार अब जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है, और सोशल मीडिया पे देखने के बाद मैंने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से बात की। अधिकारियों कर्मचारियों से बात करने के बाद ये पता चला कि ये मूसाखेड़ी की घटना है, जहाँ पर एक ठेला रोड डिवाइडर पर खड़ा हुआ था, जो जिले की इस बाबत निर्णय लेने के लिए एक आपदा प्रबंधन समिति है, उसके निर्णय और कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार सभी ठेलों को चलायमान करने के कराने के प्रयास कर रहे हैं नगर निगम। इसके लिए टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तैनात की गई हैं। मूसाखेड़ी में जब ये नगर निगम की टीम पहुंची तो नगर निगम की टीम ने संडे के ठेले को ये कहा कि तुम खड़े होकर मत बेचो, चलायमान रखो और चल फिर कर बेचो। तो उसने गुस्से में तैस में आ गया, और तैस में आकर उसने अपना ठेला खुद ही पलट दिया और नगर निगम वालों से झंझट करने लगा। फिर उसके बाद वो नगर निगम की टीम वहाँ से चली गई। हालांकि ये एक संवेदनशील मामला है इस समय, खासकर कोविड के समय, तो इस मामले की हम लोग जाँच कराएंगे, और जाँच में अगर कोई भी दोषी पाया गया निगम का कोई भी अधिकारी कर्मचारी, तो उसको दंडित भी किया जाएगा। दिन भर मेहनत करके कुछ रुपए कमाने वाले बच्चे को निगम कर्मचारियों की हिटलर शाही ने कुछ ही मिनट में उसका बड़ा नुकसान कर दिया। आखिर कार्रवाई के नाम पर छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने का हक निगम कर्मचारियों को दिया किसने? कोरोना काल में ये गरीब मजदूर अगर सड़क पर नहीं कमाएंगे तो कहां जाएंगे? प्रशासन को जिम्मेदारी समझना होगी और आम जनता को ध्यान में रख कर फैसला लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।